कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे मुश्किल शाओलिन स्कूल का एक स्टूडेंट फैंग शीहू अपनी आखिरी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था, जिससे ये तय होगा कि वो इस स्कूल से पास होकर एक शाओलिन योद्धा कहलाने के लायक है भी या नहीं। इस टेस्ट का नाम था वुडन डेथ बैटल और आज तक बहुत कम लोग इस टेस्ट को पास कर सके थे। इस टेस्ट में शीहू को लकड़ी की कठपुतलियों से लड़ना था जिन्हें कुछ योद्धा कंट्रोल कर रहे थे, पर उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो टेस्ट को जरूर पास करेगा। तैयार होने का इशारा करते ही उस पर दो हमले एक साथ हुए, पर वो बड़ी आसानी से बच गया। लेकिन तभी तीसरा वार सीधा उसकी छाती पर हुआ। उसने अपना पैर जोर से जमीन पर मारा और रजनीकांत की तरह उसकी टी शर्ट हवा में उड़ गई। साथ ही उसका शरीर चमकने लगा मानो जैसे उसके ऊपर एक कवच आ गया हो। इस टेक्निक को कॉपर स्किन बोला जाता था और शीहू को इसमें महारत हासिल थी। उसने एक एक कर सभी को हरा दिया, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अचानक से सभी कठपुतलियों ने एक साथ जुड़कर खुद को बहुत बड़ा बना लिया। अब इसे हराना पहले जितना आसान नहीं था। शीहू समझ गया था कि वो इसे ताकत से नहीं हरा सकता, तो उसने अपना दिमाग लड़ाया और मौका देखकर वो सभी रस्सियां पकड़ ली जिससे वॉरियर्स उन कठपुतलियों को चला रहे थे, जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिर गए। शीहू शाओलिन मंदिर से एक योद्धा की तरह पास हुआ। इसके बाद हम लाओ नाम के एक सरकारी अफसर को देखते हैं जिसने 5 मिलियन युआन अपने फायदे के लिए सरकारी खजाने से चुरा लिए थे। ये पूरी रियासत की आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि इस चोरी में उसका भी हाथ है। इसीलिए उसने अपने वफादार सैनिक मिंग के साथ मिलकर अपने साथी को उसके परिवार के साथ ही मार दिया। अब उसे बस उस खास कागज की तलाश थी जो उसके असिस्टेंट ने बनाया था, क्योंकि उसमें चोरी किए हुए पैसों की सारी जानकारी थी और अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे पक्का फांसी दे देगा। उधर शीहू अपने गांव जाकर अपने बचपन के दोस्त हान से मिला। उनकी एक और दोस्त थी जिसका नाम है रोंग। दरअसल हान बचपन से उसे पसंद करता था, पर वो शीहू को पसंद करती थी। इन्होंने अपना अलग ही लव ट्रायंगल बनाया हुआ है। जब वो दोनों रोंग से मिलने उसके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने बियर पॉ को एक आदमी की पिटाई करते हुए देखा। असल में बियर पॉ लाओ के लिए काम करता था। शीहू ने उस आदमी को बचाने के लिए पॉ पर हमला कर दिया और कुछ ही वक्त में पॉ भी समझ गया कि भाई ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। ऊपर से जिस आदमी की तलाश वो कर रहा था वो तो पहले ही वहाँ से भाग गया था, इसलिए वो भी अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल गया। पर शीहू उसका पीछा करता रहा और अब दोनों मार्केट के बीचों बीच खड़े थे। तभी शीहू की मम्मी जी ने एंट्री मारी जो खुद भी एक नामी योद्धा थी और आंटी अपने बेटे को कान से पकड़कर घर ले गई। इससे पता चलता है तुम जितने मर्जी बड़े 30 मार खां बन जाओ, मम्मी तो मम्मी होती है, उनको थोड़ी फर्क पड़ता है बेइज्जती हो जाएगी मार्केट में लड़के की। शीहू की माँ ने उसे घर के अंदर ही कैद कर दिया, पर शीहू भी आराम से घर में बैठने वालों में से नहीं है। वो मौका मिलते ही घर से निकलने की तैयारी में लग गया। कपड़े पहनते हुए वो टिंग से मिला जो खुद भी कपड़े बदल रही थी और शीहू को देखकर वो चिल्लाने लगी। इससे पहले कि शीहू उससे कुछ पूछ पाता, टिंग ने कुछ सैनिकों को उसकी तरफ आते देखा और वो छुप गई। सैनिकों ने जब शीहू से पूछा, हाँ भाई कोई लड़की देखी है इधर को भागती हुई आई थी अभी। शीहू ने टिंग की मदद करने के लिए उन्हें गलत रास्ता बता दिया। टिंग ने बाहर आकर उसका शुक्रिया अदा किया, पर तभी हान और रोंग भी वहां आ गए और रोंग ने देखा कि ये लुच्ची लड़की मेरे बचपन के प्यार के साथ खड़ी है, तो उसने अपने मन में ही मान लिया कि जरूर इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा होगा। वो जलन और गुस्से में वहां से चली गई। शीहू ने भी उसके पीछे जाने की कोशिश की। उधर मार्केट में एक आदमी ने हान को रोक कर एक तस्वीर दिखाई और उस आदमी का पता पूछा। वो तस्वीर दरअसल रोंग के पिता की थी, इसलिए हान ने उसे कुछ नहीं बताया। वो स्केच दिखाने वाला आदमी टाइगर नाम के एक बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन के लिए काम करता था। इसके बाद हान ने सीधा रोंग को जाकर सारी बात बताई, लेकिन रोंग ने कहा, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे मेरे पप्पा को, पप्पा तो शहर में है ही नहीं। हान के वहां से निकलते ही रोंग ने एक डब्बा निकाला जिसमें वो खास कागज थे जिसकी तलाश लाओ को थी। पता चलता है कि रोंग के पिता ही उन कागजों के रखवाले थे और वही इकलौते इंसान हैं जो लाओ को सजा दिला सकते हैं, इसीलिए सैनिक उनके पीछे पड़े थे। अगले दिन शीहू और टिंग सारी गलतफहमी खत्म करने के लिए रोंग के घर आए, पर तभी हान ने उन्हें बताया कि रोंग गायब है और शायद टाइगर ने ही उसे किडनैप करवाया।
आया होगा क्योंकि कल उसके लोग रॉन्ग के पिता को ढूंढ रहे थे। शियू ने वक्त बर्बाद ना करते हुए टाइगर को ढूंढना शुरू किया जो मार्केट में लोगों से लड़ रहा था। जब शियू ने वहां पहुंचकर रॉन्ग के बारे में पूछा तो टाइगर ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता भाई, अपनी दोस्त वोस्त को खुद संभाल के रखा करो। इसी बात पर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और शियू ने बड़ी आसानी से उसे हरा दिया। शियू हैरान तो तब हुआ जब टाइगर ने हंसकर अपनी हार मान ली और उसे अपना दामाद घोषित कर दिया। उसने बताया कि वो अपनी बेटी के लिए पति ढूंढ रहा था और उसकी शर्त थी कि जो भी आदमी उसे लड़ाई में हरा देगा उसे ही वो अपना दामाद बनाएगा। शियू समझ गया कि टाइगर को सच में कुछ नहीं पता और अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुका ना तो ये अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवा देगा मेरे से। तो अपना हीरो पतली गली से निकल लिया। उधर रॉन्ग वापस आई और उसने बताया कि वो तो कभी किडनैप हुई ही नहीं, पर उसने शियू और टिंग की कोई भी बात सुनने से मना कर दिया और शियू के हाथ में उसका एक पुतला पकड़ा दिया जो रॉन्ग ने बनाया था। अब ये सब देखकर हान की जल गई। कभी कोई जलस हो जाता है कभी कोई, क्या चल रहा है ये। वापस घर जाते वक्त शियू और टिंग को टाइगर के आदमियों ने घेर लिया। टाइगर ने टिंग से पूछा कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी। तब शियू को पता चला कि टिंग तो दरअसल टाइगर की बेटी है और उसी के लिए टाइगर पति ढूंढ रहा था। उसने ये भी बताया कि उसके आदमी रॉन्ग के पिता को लाओ के आदेश पर ढूंढ रहे थे। जब तक शियू को समझ आया कि रॉन्ग किसी परेशानी में है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिंग ने रॉन्ग और उसके पिता को ढूंढकर बंदी बना लिया था। वो वहाँ रॉन्ग के पिता से वो कागज लेने आए थे लेकिन जब उसने कागज देने से साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने रॉन्ग को मारने की धमकी दी। लेकिन फिर भी उसके पिता हार न मानकर सबका मुकाबला करने को तैयार हो गए। वो जानता था कि वो इतने सारे लोगों को अकेला तो नहीं हरा पाएगा, इसीलिए उसने अपनी बेटी और उस खास कागज को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तभी वहाँ शियू भी पहुँच गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया, इसलिए वो रॉन्ग के गले पर तलवार रख कर वहाँ से निकल गए। उधर जैसे ही लाओ को पता चला कि उसका मिशन फेल हो गया तो उसने पॉ और उसके पिता ह्यू को शियू को मार कर वो कागज उसके पास लाने को कहा। पॉ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसके पिता लाओ जैसे बेकार इंसान के सामने झुक रहे थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर वो भी ना चाहते हुए लाओ के सामने झुक गया। उधर शियू को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि उसे रात तक वो कागज लेकर एक जगह पहुंचना होगा वरना वो रॉन्ग को मार देंगे। रात को जब वो वहां पहुंचा तो सब बहुत हैरान थे कि शियू ने बिना लड़े उन्हें वो कागज कैसे दे दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में मिंग को पता चल गया कि ये कागज असली नहीं था। इसके बाद ही पॉ और शियू में लड़ाई शुरू हो गई और ह्यू ने मौका देखते ही शियू पर जहरीला पाउडर फेंक दिया जिससे उसकी शक्तियां बहुत कम हो गई। मिंग ने पॉ को इसका फायदा उठाकर शियू को मारने को कहा पर उसका ध्यान अपने बूढ़े और जख्मी पिता की तरफ था। पॉ और ह्यू के जाने के बाद मिंग ने शियू को खुद मारने का फैसला किया लेकिन तभी टाइगर और शियू की माँ ने वहां आकर उसे बचा लिया। घर ले जाकर जहर खत्म करने के लिए शियू को जड़ी बूटी वाले पानी से नहलाया गया। उधर मिंग ने पॉ को अपनी जान बचाने का आखिरी मौका दिया। इसके बाद पॉ अपने पिता को वहीं मिंग के पास छोड़कर शियू को मारने चला गया। मिंग ने ह्यू को कुछ ऐसा करने को कहा जिससे पॉ का ध्यान न भटके और इसी बात पर ह्यू ने हामी भरकर एक फैसला लिया। उधर शियू उस पुतले को देख रहा था जो रॉन्ग ने उसे दिया था। तभी उसने गलती से एक बटन दबा दिया जिससे वो कागज बाहर आया, जिसका मतलब था कि अब वो लोग रॉन्ग को वापस ला सकते थे पर ऐसा करने पर लाओ को सजा नहीं मिलेगी। तभी उसे पॉ की एक चिट्ठी मिली और शियू बिना किसी को बताए वहां से चला गया। शाम को वो दोनों आमने सामने एक मुकाबले के लिए मिले। इस बार पॉ की जान खतरे में थी इसलिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी पर वो शियू को हरा नहीं पाया। शियू ने उसे जिंदा छोड़ दिया क्योंकि पिछली बार पॉ ने उसकी जान बख्शी थी, क्योंकि शियू भी सलमान भाई की तरह किसी का एहसान नहीं रखता। लड़ाई के बाद जब पॉ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता मर चुके थे। वो जान गया था कि उनकी जान मिंग और लाओ की वजह से गई है। उधर हान ने लाओ के घर पहुंचकर रॉन्ग को आजाद करने की मांग की। वो रॉन्ग के बदले में वो कागज देने के लिए तैयार था। एक जख्मी रॉन्ग को घर से बाहर लाया गया जिससे पता चलता है कि उस पर बहुत अत्याचार किए गए थे। जैसे ही हान मिंग को वो कागज पकड़ाने वाला था तभी शियू बीच में आ गया और ये सब रोक दिया। साथ ही टाइगर और शियू की माँ भी वहाँ आ गए और लाओ के आदमियों का मुकाबला करने लगे। आखिरकार शियू और लाओ के बीच मुकाबला शुरू हो गया। अपनी जिंदगी में पहली बार शियू को उससे ज्यादा ताकतवर दुश्मन मिला था। लाओ आयरन बोन्स कुंफू स्टाइल का एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। उसके एक मुक्के से शियू का कवच टूट गया। उसके मुक्के के सामने शियू का कॉपर स्किन कुंफू टिक नहीं पाया। शियू मौत के बहुत
बहुत करीब था और तभी लाओ ने उसकी तरफ तलवार का एक हिस्सा फेंका, लेकिन ऐन वक्त पर रोंग बीच में आ गई और वो चाकू उसे लग गया। अफसोस रोंग बच नहीं पाई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर हान को बहुत गुस्सा आया और उसने लाओ पर हमला किया, लेकिन लाओ के एक ही जोरदार मुक्के से उसके भी मौत हो गई। उधर टाइगर और शियू की माँ को भी बंदी बना लिया गया। तभी वहाँ पॉ आ गया और उसने लाओ पर हमला कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। इस सब के बीच शियू की माँ और टाइगर ने शियू को समझाया कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर वो कागज लाओ के हाथ लग गए तो रोंग और हान का बलिदान जाया चला जाएगा। शियू ना चाहते हुए भी कागज लेकर वहाँ से भाग गया। पॉ पूरी बहादुरी से लाओ से लड़ा, लेकिन फिर भी वो उसका सामना नहीं कर पाया और मारा गया। अगले दिन कैदियों को सजा देने का ऐलान पूरे शहर में किया गया। लाओ ने टाइगर और शियू की माँ पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी देने का फैसला किया। कैदियों की फांसी देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए। शियू के पास अब उस कागज को सभी के सामने सबूत के तौर पर लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। शियू फांसी देने वाली जगह पर पहुंचा और सभी को बताया कि कैसे लाओ ने चोरी की थी और उसने इससे पहले भी कई गैर कानूनी काम किए थे। ये सुनकर भीड़ लाओ के खिलाफ नारे लगाने लगी। ये देखकर लाओ को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को भीड़ पर हमला करने को कहा, पर भीड़ में आधे लोग टाइगर के सैनिक थे, जिसके बाद वहाँ लड़ाई शुरू हो गई और शियू और लाओ एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार शियू ने ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया और एक बड़ी सी लकड़ी को धक्का दिया जो सीधा जाकर लाओ की छाती पर लगी। इस हमले से लाओ को काफी चोट आई। शियू ने एक के बाद एक लाओ पर तेजी से मुक्कों की बौछार कर दी और आखिरकार एक जोरदार मुक्का दिया जिससे लाओ को दिन में तारे दिख गए। बाहर लाओ के सारे आदमी भी हार चुके थे और तभी वहाँ राजा भी अपनी पूरी सेना के साथ पहुँच गया। शियू ने राजा को वो कागज दिखाया जिससे साबित हो गया कि लाओ ने खजाने की चोरी की थी, जिसके बाद राजा ने लाओ को कैद करने का हुक्म दे दिया। खैर आखिर में टाइगर की बेटी टिंग भी शियू से चिपक के ही खड़ी थी, तो उम्मीद है इनकी सेटिंग भी हो ही जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।